तो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे क्या कुछ कंफर्ट और क्या कुछ स्पेस और कितने फीचर्स वगैरह कुछ क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं गाड़ी के आगे की ओर। तो अभी यहाँ पर इसमें देखो ऐसा रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, मतलब देखो मेरे पास अभी की है तो ये कैसे लॉक हो गई और ये दबाने पे ऐसे अनलॉक हो जाती है। अंदर चलता हो आगे की ओर। तो अंदर बढ़ने से पहले मेरी नजर गई इस पे, तो ये सीट हमें ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, मतलब सिक्स वे इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें लंबार्ड सपोर्ट तो इसमें मैन्युअली एडजस्टेबल मिलता है। तो अंदर ऐसा कुछ मतलब सीट्स तो इसकी बहुत कंफर्टेबल है, आप यहाँ पर कीज वगैरह रख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा इसका कुछ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, यहाँ पर ऐसा MG का लोगो, यहाँ पर इसके ऐसे मीडिया के कंट्रोल वगैरह, ये कॉल करने का, वॉल्यूम अप डाउन करने का, और ये इसके MID के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। और MID देखो भाई, मतलब पूरी ऐसी एक स्क्रीन दी गई है। यहाँ पर हमें स्पीड में, यहाँ पर ऐसे क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल से देखने को मिलते हैं। ये इसका उल्टा सिस्टम आता है, हमारे नॉर्मल गाड़ी में देखो इस साइड इंडिकेटर्स वगैरह का कंट्रोल रहते हैं और इसमें ऐसे इस साइड दिए गए, यहाँ पर ऐसे इंडिकेटर्स और सब मतलब ऐसे प्यारा, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर सब देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए, ORVM के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए और जो कि सही है। और ये हेडलैम्प लेबलर यहाँ पर देखने को मिलता है। AC वेंट का डिजाइन थोड़ा थोड़ा मर्सिडीज इंस्पायर लगता है, मतलब है यार मर्सिडीज में भी ऐसा आता है। और ये ऐसा गोल मटोल सा, मतलब इस पे पियानो फिनिश मतलब बढ़िया दिया गया है। और यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये ऐसा ओवर अंदर से मतलब डिसेंट साइज है इसकी। और यहाँ पर ऐसे मतलब आप सोच सकते हो कि ये चारों ऑटो डाउन देखने को मिलते हैं, मतलब देखो चारों विंडोज ऑटो डाउन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऑटो अप सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो को देखने को मिलता है और बाकी के विंडो को वैसे भी कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं अभी स्क्रीन पे, तो ऐसी इसकी स्क्रीन साइज आपको स्क्रीन यहाँ पर आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो ये मतलब मैं देखता हूँ ना ऐसी कुछ MG की बाकी की गाड़ियाँ उनमें ऐसी लैग आते हैं, MG के हेक्टर वगैरह देख सकते हो आप उनमें लैग है, पर इसमें इस ZACV में बिल्कुल भी लैग नहीं है। यहाँ पर ऐसे होम के बटन, यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर इसकी बैटरी की रेंज कितनी बची है और बैटरी चार्ज कितनी है ये भी हमें देखने को मिलता है। तो 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी भी सही देखने को मिलती है, मतलब देखो मैं अभी इंडिकेटर देता हूँ तो देखो इस उस साइड का कैमरा, मतलब मैंने राइट साइड का इंडिकेटर दिया है और उस साइड का कैमरा ऑन हो गया। और ये यहाँ पर मैं टायर टर्न कर रहा हूँ और उसका भी देखो आ रहा है इसमें, मतलब एकदम एक्यूरेट कैमरा देखने को मिलता है। अभी इंडिकेटर बंद हो गया तो वो बंद हो गया होगा। फिर यहाँ पर ऐसे 3D भी व्यू इसमें देखने को मिलता है, मतलब ये सही बात है यार, 3D व्यू भी दिया गया है इसमें। तो देखो मतलब यहाँ पर इसमें JioSaavn वगैरह सब दिया गया है, यहाँ पर आप ऐसे गाने वाने लगा सकते हो और यहाँ पर ऐसे सर्च बार, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो आपको कौन से गाने चाहिए, मतलब सही है यार इसका मतलब ये। और इसकी सबसे स्पेशल बात कि इसमें लैग वगैरह तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब इसमें लैग तो कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। ऊपर ऐसे इसके कुछ ऐसे इवेंट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हैजार्ड लाइट का बटन हमें देखने को मिलता है, मतलब ये स्क्रीन वीन वगैरह मतलब MG ने बहुत सही काम किया है यार। इतने 30 लाख के प्राइस में इसमें लैग वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। या ब्राउज, यहाँ पर आपके डाउनलोडेड गाने देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्राउज आपने क्या क्या किया है। फिर यहाँ पर सर्च का, होम का, होम में आप मतलब ट्रेंडिंग सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर इसका म्यूजिक सिस्टम भी सही है, अभी कॉपीराइट के इश्यूज की वजह से मैं आपको सुना नहीं सकता, पर म्यूजिक सिस्टम इसका सही देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हम इसकी कीज भी मतलब इसके डिज़ाइन देखो आप, यूनिक सी डिज़ाइन दी गई है इसमें, मतलब यहाँ पर लॉक करने का, अनलॉक करने का, और यहाँ पर बूट अनलॉक, स्पेसिफिकली अनलॉक करने का, इसमें इलेक्ट्रिक बूट नहीं आता तो इससे अनलॉक ही हो जाता है। फिर तो उसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर AC के कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर ऐसे फैन स्पीड स्लो, फैन स्पीड हाई देखने को मिलती है। टेम्परेचर का भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्परेचर हाई लो यहाँ पर से आप कर सकते हो, यहाँ पर से आप फैन स्पीड स्लो, यहाँ पर इसकी डिस्प्ले देखो, इसकी डिस्प्ले यहाँ पर आ रही है, फैन स्पीड स्लो और हाई करने की डिस्प्ले, मतलब ये भी एक बढ़िया सिस्टम है यार। और ये मैं आपको हैंडल का बता देता हूँ, इस गाड़ी का टॉर्क पुलिंग पावर इतनी ज़्यादा है यार कि साइड में अगर कोई बैठा होगा तो वो डरता ही है यार, मैं भी पहली बार बैठा था
और मैं भी बहुत डरा था। मतलब यहाँ पर एक पकड़ने के लिए साइड पैसेंजर के लिए तो चाहिए, और ये एमजी ने ध्यान दिया इस पे और ये उसी के लिए लगाया गया है। मतलब आप एक, आपको चांस मिले ना, आप एक बार शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव लेना इसकी जरूर। आप मतलब यार डर ही जाओगे आप, इतनी इनसेन पावर है इसमें। मतलब बहुत इनसेन पावर हमें इसमें देखने को मिलती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है, इसमें ऐसा चार्जर लगाया गया है। यहाँ पर यूएसबी टाइप सी देखने को मिलता है, और ये नॉर्मल यूएसबी के लिए दिया गया है। यहाँ से यूएसबी लगा के आप गाने वगैरह सुन सकते हो। यहाँ पर थोड़ी स्पेस दी गई है इसमें, और इसमें वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर रखने की वजह आप इसमें भी, इस आर्म रेस्ट में भी रख सकते हो, और यहाँ पर आपका मोबाइल वायरलेसली चार्ज भी होता रहेगा। मतलब ये भी एक सही सिस्टम दिया गया है एमजी ने। तो नीचे आते हैं तो नीचे ऐसा मोड का बटन देखने को मिलता है। मतलब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल मोड पे है, ये मैंने यहाँ पर से बटन दबाया, ये गई स्पोर्ट में, और ये आगे की ओर स्पोर्ट में जाती है। अगर मैं एक बार दबाऊँ तो नॉर्मल, और एक बार पीछे करूँ तो देखो इको में चली गई। इको में इसकी रेंज बढ़ जाती है, नॉर्मल में थोड़ी सी कम हो जाती है, और स्पोर्ट में तो कम होगी यार। मतलब गाड़ी अपने पूरे पोटेंशियल से भागती है, और इतनी तेज भागती है ना, मतलब इसका क्या ही कहना। तो नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर इसके ड्राइव मोड सिलेक्टर देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा रिवर्स, यहाँ पर न्यूट्रल, और ये यहाँ पर ड्राइव देखने को मिलता है। मतलब सही सिस्टम है। और इसमें देखो रिवर्स लगाया मैंने तो यहाँ पर इसमें लाइट आ गई। देखो न्यूट्रल में मैं गया, ड्राइव में गया तो यहाँ पर ऐसी लाइट आ गई, न्यूट्रल में आया तो यहाँ पर ऐसी लाइट आ गई। मतलब ये एक सही सिस्टम दिया गया है इसमें। और यहाँ पर ऐसी ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक, जैसे ही हम यहाँ पर ड्राइव में जाएंगे तो ये ब्रेक ऑटोमेटिकली मतलब सब हो जाएगा। पर इसकी एक बात, हमें सीट बेल्ट लगानी होती है उस टाइम तो ही है, वरना यह हमें मैन्युअली करना पड़ता है, और सीट बेल्ट लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो यहाँ पर ड्राइव पे कार है तो मैं अभी इसको न्यूट्रल में कर देता हूँ। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा दो कप होल्डर देखने को मिलता है। इसमें 500 ml की बॉटल छोटी छोटी, या हम कॉफ़ी का कप वगैरह रख सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ आर्मरेज देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सामान रखा गया है, उसको इग्नोर करो। मतलब इसमें भी सही स्पेस देखने को मिलती है यहाँ पर आर्मरेज में, और ये इसका आर्मरेज के लॉक का स्विच देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इसके बाद बढ़ते हैं ग्लव बॉक्स की ओर। तो ग्लव बॉक्स इसमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और जो कि सही है। मतलब इसमें स्पेस इतनी मिल जाती है, और डीप स्पेस है यार। यहाँ पर हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ऐसी कार्बन फाइबर फिनिश थोड़ी सी दी गई है, और ये सॉफ्ट टच है यार, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। ये पूरा पैनल मतलब सॉफ्ट टच है, वो आगे का पैनल थोड़ा हार्ड टच देखने को मिलता है ये, पर यहाँ पर सॉफ्ट टच है। यहाँ पर डिफॉगर वगैरह देखने को मिलती है। तो अभी बढ़ते ऊपर की, तो ऊपर यहाँ पर सनसेट में ऐसी कुछ मिरर देखने को मिलता है। इसमें लाइट वगैरह नहीं दी गई हुई, पर ये लाइट इसके लिए सफिशियंट है यार। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ मिरर वगैरह देखने को मिलता है, ये वैसा ओपन क्लोज हो जाता है। और उसके बाद बढ़ते सनरूफ, देखो भाई सनरूफ कितनी बड़ी है इसमें। सनरूफ यहाँ से हम ब्लाइंड और सनरूफ दोनों ओपन हो जाती है, और इतनी बड़ी है यार इसकी सनरूफ। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर से ये मैं ब्लाइंड ओपन कर देता हूँ, इतनी ओपन हो जाती है। और मैं यहाँ से बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको, तो बाहर का ऐसा कुछ यहाँ से ऐसे व्यू आता है इसमें, बोनट वगैरह सब रोज दिख जाता है। तो फिर हम इसको अभी बंद कर देते हैं। और इसकी एक खास बात है कि ये वन टच है। मतलब कुछ गाड़ियों में ऐसा, कब तक यार ऐसे रखोगे, मतलब इसमें वन टच सनरूफ देखने को मिलती है। ये देखो इसका ब्लाइंड भी ऐसा क्लोज हो गया, मतलब सही है यार ये सनरूफ। ऊपर ऐसे कुछ पत्ते वत्ते, इसकी क्वालिटी भी मतलब ये ऐसा ये दिया गया है, यहाँ पर ऐसा छोटा सा क्लॉथ दिया गया है इसमें। और फिर ऊपर यहाँ इसके कंट्रोल, मतलब इसके कंट्रोल देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये ऐसे लाइट के कंट्रोल इसमें यहाँ पर देखने को मिलते, तो लाइट के यहाँ पर इसका एक ही बटन दिया गया है, यहाँ पर से लाइट ऑन हो जाती है। और ये देखो, ये यहाँ पर स्पेसिफिकली उस पैसेंजर को लाइट चाहिए तो ऐसा ये बटन, और इस पैसेंजर को लाइट चाहिए तो ऐसा ये बटन। मतलब ये भी सही सहूलियत से सब काम करे गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग के कुछ साइन आते, और ये ऐसे कुछ इसके बटन दिए गए, और यहाँ पर इसका माइक, मतलब इतने प्यार से इसमें इंटीग्रेट किया गया है इसका माइक, ब्लूटूथ का माइक आपको पता ही होगा, वो इतने प्यार से इसमें इंटीग्रेट किया गया है कि क्या ही कहना है एमजी का। मतलब यार फीचर्स के मामले में ये गाड़ी भर भर के इसमें फीचर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत सही बात है यार। और यहाँ पर इसका ऐसा पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिलता है। नीचे का ऐसा कुछ ऐसा ब्रेक और एक्सीलेटर ही मिलता है यार सब इसमें। और यहाँ पर ऐसा डेड पेडल दिया गया है, मतलब
यहाँ से आप एक्सीलेटर और ब्रेकिंग कर सकते हो यहाँ पर, और डोर में ऐसा कुछ 1 लीटर की बोतल आप रख सकते हो, और यहाँ पर ऐसा कुछ जो थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, नीचे कुछ भी ओपनर वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलता। तो अभी बात करते हैं इसके इंजन की। तो इंजन की बात करना है तो बोनट तो खोलना ही पड़ेगा ना, तो बोनट का यहाँ पर ऐसा कुछ दिया गया है, तो मैं ये लीवर खींचता हूँ और बोनट थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो देखो ये मैंने खींचा और वहाँ पर आपको आवाज़ आ गई होगी कि बोनट थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। तो अभी चलते हैं इंजन की ओर। तो इंजन का मैं आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह सब दिखा देता हूँ। तो इसका बोनट भाई भारी है, मतलब बहुत भारी है, और यहाँ पर ऐसे मोटर्स वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं। ये सब जो सिस्टम है ये सब सिर्फ हमें चाइना का मिलता है, बाकी सब मतलब ये मोरिस गैराजेस मतलब ये ब्रिटिश कंपनी है, और इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम दिया गया है, मतलब यहाँ पर इतनी स्पेस। और देखो यार नीचे मतलब एमजी ने इस मामले में कॉस्ट कटिंग नहीं की करी हुई, मतलब एक 30 लाख रुपए की गाड़ी है तो इसमें ये होगा ही, मतलब नीचे इंजन गार्ड दिया गया है इसमें, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर इसका कुछ फ्लूड्स वगैरह भरने का, ये वाटर वगैरह भरने का, और ऊपर ऐसे इसमें कुछ ऐसी इंसुलेशन दी गई है, और ये इंसुलेशन मतलब यहाँ पर एमजी ने ये भी कॉस्ट कटिंग नहीं की यार, ये भी सही किया, इसमें ऐसी इंसुलेशन देखने को मिलती है, और ये वैसे भी ईवी की क्या ही आवाज़ आती है यार, पर ये सही दिया गया है। और ये दूसरे एस्टर ही है यार, एस्टर ऐसी ही लगती है। तो चलो अभी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो कैसे लगी आपको एमजी की ये ZSCV में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए यार UN कार्स को सब्सक्राइब जरूर करना यार, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।